हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गेट रैंकर द गेट रैंकर यूट्यूब चैनल में। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेसन में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन का कंसेप्ट भी जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। आई हैव क्वालिफाइड गेट 4 टाइम्स एंड इन गेट 2018 आई स्कोर्ड दिस मच ऑफ मार्क्स, दैट इज़ 99.4% एंड आई हैव मोर देन 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले रीड कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, जो कि गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल पॉइंट जानना, क्योंकि उसी के पीछे आंसर्स छुपे होते हैं। देखिए, टू स्टील ट्रस मेंबर्स हैं, ठीक है, दो स्टील ट्रस मेंबर है, ए सी एंड बी सी। ओके, उसके क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 100 mm², मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। एंड एट पॉइंट सी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है। देखिए, बोल दिया हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो चुपचाप एक्स डायरेक्शन में आप एक फोर्स लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, सी पॉइंट में लगा हुआ है। और ये जो ट्रस है ना, ये ट्रस में आपको दिख रहा होगा दोनों ट्रस, एक है आपका, जस्ट वेट, लेट मी सेलेक्ट द पेन। या देखो, ये जो ट्रस ए सी है, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, एंड बी सी जो ट्रस है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों, हमको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि जो फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, फोर्स अगर 1 किलो न्यूटन है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन फोर्स डेवलप्ड इन द पॉइंट बी। ये आपका पॉइंट बी है, पॉइंट बी में ये कौन सा जॉइंट है, ये आपका पिन जॉइंट है, या फिर आप बोल सकते हो हिंज्ड जॉइंट, राइट। तो यहाँ पे कितना वर्टिकल रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन मींस यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक्शन है, उसकी वजह से जो यहाँ पे रिएक्शन लगेगा, दैट इज रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट सी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो पॉइंट सी के लिए बनाओ, तो सी में एफ जो है आपका टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा एफ बी सी, एंड यहाँ पे आ जाएगा एफ ए सी, एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एफ बी सी जो है 60 डिग्री एंगल बनाएगा, एंड यहाँ पे ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा, कौन, एफ ए सी। देखो, यहाँ पे थ्री फोर्सेस हैं एंड ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एंड तीनों फोर्स जो है वो कॉन्करेंट फोर्स है, मतलब तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लैमिस थ्योरम क्या कहता है, जब तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो और वो तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है, तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ फोर्स, ये जो फोर्स एफ है, होल अपॉन ये एंगल कितना है, ठीक है, एफ के अपोजिट वाला एंगल 60 + 45, दैट इज 105, सो साइन 105 डिग्री इक्वल्स टू एफ बी सी होल अपॉन। अब ये एफ बी सी ये है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल राइट, तो ये एंगल कितना होगा, 180 - 45, दैट इज 135 डिग्री, सो साइन 135 डिग्री इक्वल्स टू एफ ए सी होल अपॉन, ये है ए सी का अपोजिट एंगल, ये हो जाएगा 180 - 60, दैट इज 120 डिग्री, सो यहाँ पे साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिलेगा एफ ए सी इज इक्वल्स टू 0.8965 एफ, और एफ बी सी मिलेगा आपको 0.732 एफ, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन कहाँ पे, पॉइंट बी में। पॉइंट बी में वर्टिकल रिएक्शन किसकी वजह से आएगा, बीसी में जो फोर्स है, क्योंकि पॉइंट बी जो है बीसी बार से ही तो जुड़ा हुआ है भाई, है ना। तो मैं पॉइंट बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा एफ बी सी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। एफ बी सी की वैल्यू 0.732 F। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बी में क्या है, आपका पिन सपोर्ट है या हिंज्ड सपोर्ट है। हिंज्ड सपोर्ट में ये सभी को पता होगा कि यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्सेस आते हैं। हिंज्ड सपोर्ट में दो रिएक्शन फोर्स आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ भी चीज़ आके जुड़ती है, इसका एक्स डायरेक्शन में मोशन एंड वाई डायरेक्शन में मोशन दोनों ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, नहीं घूम पाता। तो इसीलिए उसको हम हिंज्ड जॉइंट या पिन जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ रोटेट कर सकता है उसके अबाउट, मतलब मोमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन आप रिएक्शंस आएंगे। तो यहाँ पे आपका बी वाई सपोज एंड दिस इज बी एक्स, ठीक है। बस पिन सपोर्ट में आपका दो रिएक्शन आ गया, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। और यहाँ पे एफ बी सी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये है आपका एफ बी सी वाली लाइन एंड ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस विल बी 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री हुआ, देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ है, और ये जो दूसरी लाइन कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया है, उन दोनों के बीच से ये एक ट्रांसवर्सल गया है, समझिए। तो दो पैरेलल के बीच से जब ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये अगर 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये ज्योमेट्री है, बचपन में हमने सीखा था, तो ये 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको एफ बी वाई कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो एफ बी सी को अगर आप रिजॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी सी साइन 60, एंड हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करोगे तो एफ बी सी कॉस 60। तो ये हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो एफ बी सी साइन 60 इज इक्वल्स टू बी वाई, ठीक है। तो एफ बी सी की जगह वैल्यू पुट कर दो, है ना, और साइन 60 क्या होता है, √3/2 इक्वल्स टू बी वाई, सो बी वाई इक्वल्स टू 0.63 F, ठीक है। F की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 1 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे चुपचाप 1 पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.63 किलो न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हम डिज़ाइन का कंसेप्ट जानेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, द मैक्सिमम फोर्स एफ इन किलो न्यूटन आपको कैलकुलेट करना, मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड एट पॉइंट सी। मतलब ये पॉइंट सी जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो, ताकि जो ट्रस मेंबर्स है ना दोनों, उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस है, वो 100 मेगा पास्कल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक्सियल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये बार है, ये बार के अलोंग जो स्ट्रेस आएगा, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है, ठीक है, ये आपका बार है, ये बार के अलोंग जो स्ट्रेस आएगा वो होता है एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। तो वो दोनों ट्रस मेंबर में से, ठीक है, दोनों ट्रस मेंबर में से किसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा, बेसिकली ये आपको बताना है, ठीक है, किसमें सॉरी मतलब मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ताकि इन दोनों में से जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आपका 100 मेगापास्कल दे दिया है। इससे ज्यादा स्ट्रेस अगर जाता है किसी एक बी मेंबर में, मेंबर फेल हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि एफ बी सी इज इक्वल्स टू 0.732 F, और एफ ए सी इज इक्वल्स टू 0.8965 F, ठीक है। अब देखिए सिग्मा
बी सी, अगर मैं मान लीजिए स्ट्रेस, मान लीजिए मैं अपना ये वाला फोर्स कंसिडर करता हूँ, दोनों में से कोई एक फोर्स लूंगा, या तो वन या तो दूसरा वाला। तो पहले मैं फर्स्ट वाला फोर्स कंसिडर करता हूँ, मान लेते हैं एफ बी सी है हमारा फोर्स, और आपको ये एफ की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये एफ कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा बी सी इज इक्वल्स टू एफ बी सी अपॉन एरिया लिख सकता हूँ, तो एफ बी सी की जगह 0.732 एफ अपॉन एरिया है 100, एंड एफ बी सी मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है 100। तो यहाँ से आप एफ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको अराउंड 13.66 किलो न्यूटन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फोर्स एफ है, ये वाला जो आपको कैलकुलेट करना था, लेकिन ये हमने जो फोर्स एफ निकाला, क्या ये हमने बीसी मेंबर के लिए तो देख लिया, कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एसी मेंबर के लिए अगर ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं 13.66 यहाँ पे सी पॉइंट में, तो एसी मेंबर बियर कर पाएगा इतना, वो चेक कर लेते हैं। तो एफ ए सी है ना अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा, बेसिकली हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एफ ए सी मतलब 0.8965 होल अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एफ की जगह हम यहाँ पे एफ रखेंगे, एफ की जगह आप 13.66 रखिए, एंड एरिया की जगह आप 100 रखिए, तो आपको मिलेगा, जस्ट वेट, ठीक है। देखिए सिग्मा की वैल्यू आ जा रही है 122, लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है 100, मतलब ये तो सीधी सी बात है, अगर आप एफ की वैल्यू 13.66 लगाते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है एसी में वो आपका एसी मेंबर में 122 आ जा रहा है, जो कि 100 से ज़्यादा है, तो आपका डिज़ाइन फेल हो जाएगा और आप यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू 13.66 नहीं ले सकते, मतलब ये फोर्स तो आप कंसिडर नहीं कर सकते एफ बी सी। तो सीधी सी बात है आप एफ ए सी कंसिडर करते हैं, तो एफ ए सी कितना है, अब हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको कंसेप्ट बता दिया है। देखिए एफ ए सी अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा ए सी, ठीक है, ये होगा सिग्मा ए सी आपको 100 मैक्सिमम है, एफ ए सी 0.8965 एफ, यहाँ से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको एफ इज इक्वल्स टू मिलेगा 11.15 किलो न्यूटन। अब इसको हमने तो एफ ए सी से कैलकुलेट किया, ये वाला एफ, ठीक है, जो सी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था वो। अब हम बी सी के लिए चेक कर लेते हैं ये फोर्स सह पाएगा कि नहीं बी सी मेंबर, तो एफ बी सी अपॉन एरिया, एफ बी सी की जगह 0.732 इंटू 11150 होल अपॉन एरिया, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 81 सिग्मा बी सी, ठीक है। और हमारा मैक्सिमम कितना दिया हुआ था 100, मतलब बी सी आपका सेफ हो गया, मतलब मैक्सिमम फोर्स जो है जो आप लगा सकते हो वो है 11.15, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एंड जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।